प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गाजर का हलवा बनाना बताएंगे, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है और साथ में हेल्दी भी है। और साथ में हमारी दो बच्चियां हेल्प करवा रही हैं, ये देखिए, एक का नाम गरिमा है और एक का नाम समीरा है। तो दोनों गाजर बढ़िया तरीके से धुल रही हैं। एक हमारी बेटी है और एक हमारी बुआ की लड़की है। तो देखिए कितना बढ़िया गाजर धुल रही हैं। तो सभी गाजर अच्छी तरीके धुलकर तैयार कर लिया है। अब इसे रेतेंगी। तो समीरा छिलका उतार रही है और गरिमा रेतेगी। ये देखिए, इस तरीके छिलना की सहायता से छिलका उतार दिया है और दोनों किनारों का हिस्सा चाकू की सहायता से काट दे रही हैं। इस तरीके कद्दू कस ले ली हैं और बड़े वाली जाली से इसे रेतेंगी। तो सभी गाजर को रेत कर तैयार कर लेते हैं। रेती हुई गाजर को प्रेशर कुकर में डालेंगी। तो सभी गाजर को रेत कर प्रेशर कुकर में डाल देंगी। हम आगरा से आए हैं, हमारा नाम करिमा है। हम अपनी नानी के साथ मिलकर अपना हलवा गाजर बनाएंगे। दोस्तों, ये मेरी सहेली आगरा से मिलके आई है, हम लोग मिलके गाजर बनाएंगे। मेरी सहेली है, इनका नाम गरिमा है, ये आगरा से आई है मुझसे मिलने और हम दोनों मिलके गाजर का हलवा बना रहे हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। गाजर को हमने थोड़ा पानी डालकर एक सीटी तक मीडियम फ्लेम में पका लिया है। ये देखिए, गाजर अच्छी तरीके पक के तैयार हो गई है। ये देखिए कितना बढ़िया से हमने पका लिया है रेती हुई गाजर को। तो सभी गाजर को हम थाली में निकाल लेते हैं। पकी हुई गाजर को हमने थाली में निकाल लिया है। आइए और सामग्री बताते हैं। तो 500 ग्राम हमने चीनी ले लिया है, 5 छोटी इलायची ले लिए हैं, थोड़ा हमने काजू ले लिया है, थोड़ा बादाम ले लिए हैं, बादाम को पतले पीस में काट लिया है, थोड़ा खरबूज का बीज ले लिए हैं, थोड़ा चिरौंजी ले लिए हैं, ये देखिए, थोड़ा पिस्ता काट लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़े में नारियल काट लिया है, एक बड़ा चम्मच देसी घी ले लिए हैं, 2 बड़े चम्मच मलाई ले लिए हैं। कढ़ाई अच्छी तरीके गर्म हो चुकी है, देसी घी डालेंगे। घी अच्छी तरीके गर्म हो चुका है, इलायची का बीज डाल देते हैं। बीज को हमने ओखली में कूट लिया है। अब हम मेवे डालेंगे। मेवे में जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, खरबूज का बीज, इसे हम थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। अब हम कटा हुआ नारियल डाल देते हैं, इसे भी थोड़ा भून लेते हैं। मेवे अच्छी तरीके हमने रोस्ट कर लिया है। अब पकी हुई गाजर डाल देते हैं। अच्छी तरीके मिला देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे। अब हम चीनी डाल देते हैं। चीनी को पिघला लेते हैं, गैस का फ्लेम हाई कर देते हैं और इसे हम इस तरीके चलाते रहेंगे।
चीनी अच्छी तरीके पिघल गई है, ये देखिए। गैस का फ्लेम मीडियम हाई करके और इसे अच्छी तरीके पका लेते हैं। गाजर का पानी सूख गया है, ये देखिए। अब हम किशमिश डाल देते हैं, मलाई डाल देंगे। मलाई के जगह पे आप मावा भी डाल सकते हैं या दूध भी डाल सकते हैं, जो आपके पास हो डाल दीजिए। अब इसे हम अच्छी तरीके मिलाएंगे। इसे इस तरीके मिलाते हुए 2 मिनट तक और पका लेते हैं। गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, ये देखिए। तो आइए अब सर्व करते हैं। दोस्तों हलवा बन गया है, अब हम खाने जा रहे हैं, अब बताएंगे कैसा बना है। तो आज की गाजर का हलवा की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे। तो हम इसी तरीके की आप लोगों को वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मजा आ गया, बहुत बढ़िया बना, आप भी बनाइए खाइए। दोनों बच्चियां ने बता दिया कैसे बना है, अब हमारे बाबा जी खाएंगे और बाबा जी भी बताएंगे कैसे बना है हलवा। दाल बढ़िया बना है, इसको खाइए तो शरीर में तंदुरुस्ती अच्छी आएगी। ठीक से खाए से आँखी में रोशनी तेज आती है। बहुत टेस्टी बना है, अच्छा बना है, खाने के इसको कोशिश करा करिए। माँ को तो वो बना बना खिलौती है, भगवान उसके तरक्की करे भगवान।